जो है अपने मायके गई थी, अगर आप इतने ही केयरिंग थे पुतन परी को लेके, बहुत ही वरी थे अनुजा फैमिली जो है बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है, तो पुतन ने खुद अपने मुंह से अपने मासी जी को ये बोला और वो कहे, तो उन दिनों 2 दिन की भी लीव नहीं ली गई थी मदर इंडिया से। वेलकम टू माई चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मतलब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई और आप लोगों ने फिर भी मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया उसके लिए। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का एपिसोड स्टार्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैं पोस्ट पर शेयर भी करती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स में इतने सारे क्वेश्चन हैं, खुद के मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन नन्नू जीजा ने जो है बिल्कुल सही बातें जो हैं कल आप लोगों के सामने ला कर रखी। देखिए, शादी जो होती है दो फैमिलीज़ उसमें जुड़ती हैं, दो फैमिलीज़ जो हैं एक दूसरे को अपना मानती हैं, हरी बीमारी में एक दूसरे का साथ देती हैं, खड़ी होती हैं, ना कि एक दूसरे को जलील करती हैं। यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये पहले नंबर पर यही आता है कि नन्नू जीजा गलत। और एक चीज़ है कि देखिए, हम लोग जो हैं गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, यहाँ पर किसी की सपोर्ट में नहीं बोल रहे, नन्नू जीजा ने भी बहुत गलतियाँ करी हैं। तो यहाँ पर पुतन जो है वो जो कर रही है, क्या वो सही है? अपने पास्ट को लाकर खुद ही सबके सामने रख रही है, क्या वो सही है? वो भी उतना सही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला है कि अभी उसको स्क्रिप्ट नहीं मिली है। अच्छा जी, एक बात और है, पुतन बहुत बिजी रहती है। पुतन का कहना है अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चों के साथ सब लोग बिजी होते ही हैं, बड़े भी बच्चे जब हो जाते हैं तो भी माएँ जो हैं वो फ्री नहीं रहती, वो भी बहुत बिजी ही रहती हैं। यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि दूसरे देशों वालों से बातें करने के लिए पुतन के पास बहुत टाइम है, लेकिन यहाँ पर दूसरे देश वाले जो बात कर रहे हैं कि नन्नू जीजा को तो जी स्ट्राइक देनी चाहिए थी, है ना, तो जो कि स्ट्राइक नहीं दी है पुतन ने, ये गलत किया है। मतलब आपके हिसाब से चलेगी अब पुतन या फिर नन्नू जीजा, या फिर नन्नू जीजा को एक्चुअली में आप लोग ये क्लियर करना चाहते हो कि नन्नू जीजा को आपको स्ट्राइक देनी चाहिए, जो कि एक्चुअली में देनी ही चली चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोग उनका जो, चलो ये मैटर मैं यहाँ लेकर नहीं आती हूँ, क्योंकि हमारा बनता भी नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़रूर है कि नन्नू जीजा से, जैसे मैंने कल भी बोला है कि उनको ये अपने हक में बोलना ही चाहिए, है ना। अच्छा, औरतों को यहाँ पर ये है कि आज की तारीख में बहुत सारे राइट मिले हुए हैं, लेकिन उसका कुछ औरतें जो हैं वो मिसयूज़ करती हैं, है ना। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर नन्नू जीजा गलत हैं, वो जो एक्स जो पास्ट वो जो बीत चुका वो बहुत गलत थे, लेकिन पुतन परी तुमने 1 साल जो है अपनी फैमिली से भी बात नहीं करी थी उस एक्स की वजह से, ठीक है, वो तुमने बोला कि मेरी गलती थी। अच्छा, गलती को तुम लोग इतनी जल्दी बोल देते हो कि हमारी गलती थी सो हमें माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जब सामने वाला कहता है कि मेरी भी गलती थी, मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन नहीं, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें सरेआम जलील करेंगे, और मैं ही नहीं मेरी पूरी फैमिली भी। तो यहाँ पर बंदर बोला गया था, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस भी लोगों ने बनाई हुई हैं, ठीक है, मदर इंडिया का बर्थडे था उसमें, मतलब कि टट्टू बोला गया था अपने ही पति को उस टाइम पर, जो कि देखने वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि एमए जो है ना वो एमए ही करी गई है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का कोई भी वास्ता नहीं है यहाँ पर, अगर आपको तहजीब ही नहीं आई अपने पति से बात करने की। अगर आप कहते हो कि एक ही चीज़ बार बार लेके आते हो कि औरत बहुत कुत्ती चीज़ है, ये वर्डिंग जो है पुतन बार 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 रिपीट करती है, तो पुतन को ये मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि तुम जो आज की जनरेशन है, पुतन भी आज ही की जनरेशन है भाई, ये चीज़ और है यहाँ पर कि पुतन जो है एक न्यूली मैरिड भी है, मतलब कि रिसेंट चलो मैरिज नहीं हुई है लेकिन 2 साल ही हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा है, पर आज जो प्रेग्नेंट लेडी है, मैं पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस में ये वाला मैंने क्वेश्चन किया था कि आप इन्फ्लुएंसर हो तो आज जो है आप क्या सिखा रहे हो, कितनी लड़कियां जो हैं जिनके इन लॉज जो हैं बहुत अच्छे होंगे लेकिन उनमें भी उनको कोई ना कोई नुक्स नज़र आने लग जाएगा,
ठीक है, कितनी न्यूली मैरिड है और कुछ जो प्रेग्नेंट है, सबको कुछ ना कुछ नजर आने लग जाएगा अगर वो आपको एक्चुअली में देखती हुई तो। तो आप ये रिप्लाई 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 कब तक खेलोगे? अच्छा, अब आप सब लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि इनके इतनी सारी एपिसोड क्यों हाइड हुए थे। वो इसीलिए इन लोगों ने अपने आप को सिक्योर करके चले थे, जो कि झूठी कहती थी आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा मेरी 800 से ऊपर एपिसोड थे जो कि मैंने हाइड कर दिए। मैंने क्यों हाइड किए? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ननु जीजा था, ननु जीजा का बच्चा भी आया था ना, तो झूठी को डर था कहीं मुझे स्ट्राइक ना मिल जाए, क्योंकि मैंने तो देनी है स्ट्राइक, है ना। क्योंकि झूठी के अभी मतलब कि पुत्रन को प्रेग्नेंट हुए कोई थर्ड या फोर्थ मंथ ही होगा, तो झूठी के टाइटल जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे। हम लोगों में हो गई लड़ाई, बाद में कह दिया मजाक है। भाई कब तक मजाक, अब खुद ही मजाक बन के बैठ गए हो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि देखिए, नन्नू फैमिलीज गलत फिर से अपने आते हैं उसी क्वेश्चन पर, ठीक है। एक्स फैमिली गलत है ना, ये भी गलत वो भी गलत, अच्छा रिश्तेदारी भी गलत, जो कि ननु जीजा की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग किसी की सपोर्ट में नहीं है, फिर से मैं बार बार कह रही हूँ, हम लोग गलत और सही की बात कर रहे हैं, जो हमें दिखता है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पुत्तन परी जो कह रही है कि मैं अब जो है ऊपर जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, वो टाइम से उसका सपना था, भाई ने वो सपना पूरा होने नहीं दिया, मदर इंडिया ने वो सपना पूरा नहीं होने दिया। तो उसने सोचा कि अब मेरी शादी होगी तो चलो जी मैं अपने पति को बोलूँगी, शायद उस घर में मेरा सपना पूरा हो जाए, क्योंकि उसका शुरू से सपना था छत के ऊपर एक कमरा डलवा कर खुद उसी में रहना और अपने आप में बिजी रहना। लेकिन पुत्तन उसका जो होता है ना, एक टाइम होता है, पहले तो आप रच बस जाते उस घर में, ठीक है, फिर कहती कि भाई बस सिर्फ दिन के लिए है कि मैं अपना काम करूँगी ऊपर, जो है हम अपना बना लेंगे, और मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, रहना करना नीचे ही, क्योंकि उस माँ का भी एक ही बेटा है ना, तो आपकी तो पूरी फैमिली बेटियाँ जो हैं वो वहीं पे रहती हैं, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। और दामाद जो हैं वो बर्तन धोएंगे कपड़े धोएंगे, ये तो सबने देखा है कि कोविड में पुत्तन की मैरिज से पहले जो है मोटू बिटिया से कितना काम करवाया जाता था, ये बताकर कि कहीं मोटू बिटिया का बाहर जाने का सीन ना बन जाए, कनाडा वगैरह ऐसा ही कुछ है ना, तो बाहर जाने का सीन ना बन जाए, जिस वजह से मोटू बिटिया को वहाँ जाकर अपने घर का सारा काम करना पड़ेगा। ये बहाने बहाने से सारा काम मोटू बिटिया से करवा लिया जाता था, ठीक है। लेकिन मोटू बिटिया से खेतों का काम भी करवाया जाता था थोड़ा बहुत, है ना, और बड़े खुश होते जीजा जी ने ये किया, और जीजा जी को कच्चे पक्के से चावल खिला दिए जाते थे गुलाब सिंह की ओर से। अच्छा ऐसी बातें थी, तो उसी दिनों में उन्हें टाइम पीरियड में शादी हो गई पुत्तन परी की, जिद की वजह से जैसा भी था चलो जी शादी हो गई, है ना। अब इन्होंने सोचा कि छोटे वाले को भी वैसे बना देंगे। अब यहाँ पर मैं पहले भी ये क्वेश्चन नहीं, मैंने तो सजेशन दिया था कि देखिए जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही कोई लड़का जो है वो आपका दामाद में ही बेटा बन के आ जाएगा या बहू बन के आ जाएगा, है ना, ऐसे ही हुआ ना मोटू बिटिया के साथ। लेकिन दूसरा जो है वो एक्चुअली में दामाद है, तो उसकी वैसे रिस्पेक्ट कर दो भाई, क्या दिक्कत क्या है उसमें रिस्पेक्ट करने में, वो कौन सा रोज़ रोज़ घुसा बैठा है आप लोगों के घरों में, है ना। तो वही बात है, सब लोगों का अपना बात करने का तरीका अलग है, रहन सहन अलग है। तो वहाँ पर पुत्तन परी जो है वो अपने मायके वालों के हिसाब से ही ससुराल में क्यों चलना चाहती थी, अगर ये सब चीज़ें थी तो पुत्तन परी फिर शादी ही क्यों करनी थी। अच्छा ये बात हो गई। अब पुत्तन परी के कमरे की जो मैं बात कर रही थी, अब फाइनली जो है गुलाब सिंह ने भी पता मतलब कर क्या लिया जा सोच लिया कि पुत्तन परी कहीं ज़मीन में ही हिस्सा, जैसे नाम तो कर ही रखा इन्होंने, है ना, दोनों बेटियों के, तो कहीं ये मांग ही ना ले, तो इससे अच्छा जो है छत पे इसी के पैसे से डलवा लेंगे ऊपर कमरा, तो हमारी जो डबल स्टोरी हो जाएगी, पुत्तन जो है आज डिवोर्स होता है कल होता नहीं भी होता तो ये रहती रहेगी। अब मान लिया इसलिए क्योंकि गुलाब सिंह का कोई पता नहीं वो भी कब उडारी मार जाए जहाँ से चंपा के साथ, है ना। तो वही बात है, अब वो पुत्तन जो है वो कह रही कि अब मैं आराम से ऊपर आकर अपने एपिसोड बना सकूंगी, मतलब उसको नीचे वाले घर में जाने ग्राउंड फ्लोर में उसको दिक्कत है। अच्छा रिप्लाई ये चला जा रहा है इधर से उधर उधर से उधर, अब बीच वाले दूसरे इधर उधर के भी कूद पड़े हैं बहुत सारे, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़ों की तो एक तो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है,
मतलब पुत्तन परी तुमने खुद तो रिस्पेक्ट करी ही नहीं है, लेकिन दूसरों से भी कीचड़ उड़वा रही हो। मतलब मैंने जो कहा कि तुम ब्रेनलेस हो, तुम वाकई में ही ये साबित करने में लगी गई हो। और अब की जो है स्ट्राइक स्ट्राइक वाला ये गेम फिर से अगर खेला गया, जैसे कि मोटिविटी और फेक प्रेगनेंसी के टाइम पर, है ना, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि स्ट्राइक कुछ लड़की औरतों को दी गई थी, है ना, कुछ यूट्यूबर्स को स्ट्राइक दे दी गई थी मोटिविटिया की ओर से, ठीक है। तो उस टाइम पर जो चीज़ें हुई थी वो अब इस टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है ऐसा तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ही ख़त्म हो जाएंगी। फिलहाल तो आपके ऊपर सवाल पे सवाल जो है आप ही के व्यूअर्स भी लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, कि आपको क्या ज़रूरत पड़ती है जब सारी बातें जो है आप थ्रू कैमरा बोल देते हो, YouTube के थ्रू से सारी बातें जो हैं बोल देते हो, तो फिर क्या जरूरत पड़ जाती है कि अपने से बड़ों की इंसल्ट करवाते हो दूसरे चैनल वालों से। सर हम ये यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि देखिए, मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पर ननु जीजा की बहन है चाहे कोई है, मैं तो शुरू से कहती हूँ सबकी बहन बेटियाँ सांझी होती हैं, लेकिन जहाँ तो पुतन परी को यही लगता है कि वही किसी ना किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की बहू है, उसकी नज़रों में ननु जीजा हैं या फिर कोई और औरतें लड़कियाँ हैं, उन किसी की कोई भी इज्जत नहीं है, इसलिए तो इतना गंदा गंदा बुलवाया जाता है दूसरों से जहाँ खुद बोलती हैं, ठीक है। तो ये वो वाली बातें हैं कि एक तो ये कि डांसिंग प्रोग्राम आपका मतलब बहुत कुछ होता है। देखिए जब भी मदर इंडिया जाती थी जहाँ पर पुतन परी के घर पर वहाँ जाकर सोना करना, उस टाइम पर एक्सपोज कौन करता था, कौन करता था एक्सपोज, झूठी भाई। आप जब एडिट करते हो कितने सीन होते हैं आप कट कर सकते हो, जरूरी तो नहीं होता वो सब दिखाना। दिखाया पुतन परी अपनी ही मदर को कह रही है मम्मी चुप कर जाओ वो सुन लेंगे, मतलब मदर इंडिया जो है वो सिक्खा पढ़ाई कर रही थी, तो पुत्तन ने ये कहा तो झूठी ने वो भी सीन उसी में रहने दिया। ये 7th-8th month की बात है जब वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात है कि जब रीते हुई थी, रीते कहते हैं पंजाब में और बाकी जगह, हाँ गोद भराई के बाद रस्म हुई थी, पुतन परी जो है अपने मायके गई थी। अगर आप इतने ही केयरिंग थे, पुतन परी को लेके बहुत ही वरी थे कि आपके जो दामाद जी हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं हैं, ननु जीजा फैमिली जो है बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है, तो आप पुतन परी के लिए उन दिनों में आपने 2 दिन की भी लीव क्यों नहीं ली मदर इंडिया ने। उस टाइम पर वो जो फेवरेट मासी जी हैं वो उनको इनवाइट किया गया कि 2 दिन के लिए आप पुतन की केयर करें, है ना, तो वो आई थी। तो उस टाइम पर भी, उस टाइम का सोचकर भी पुतन परी को ज़रा भी सोच नहीं आई। जब पुतन परी के ऊपर कोई ऐसे एहसान है, जब झूठी ने कुछ ऐसे पुतन के झूठ पकड़ रखे हैं जिसकी वजह से वो उसको ब्लैकमेल कर रही है, और पुतन परी जो है वो अपने आप को फंसा फंसा सा महसूस कर रही है। पुतन कहती है कि मैं जाना तो चाहती हूँ पर मैं जाऊँ कैसे, मैं जाके उनके साथ मोमोज खाना तो चाहती हूँ पर खाऊँ कैसे। बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर, वो अपनी फेवरेट मासी जी से ये भी बात करती हुई नज़र आई थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है, वो अलग अलग खाने बनाती हैं, तो जी वो दही भल्ले भी बनाती हैं, वो ये भी बनाती हैं, वो भी बनाती हैं। पुतन ने खुद अपने मुँह से अपने मासी जी को ये बोला और वो कहते अच्छा, तो उन दिनों 2 दिन की भी लीव नहीं ली गई थी मदर इंडिया से, इतनी केयरिंग है, इतनी लविंग है वो अपनी बच्चियों के लिए, बच्चियों के लिए जहाँ सिर्फ एक बच्ची के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है लीव पर लीव ले ली जाती है मदर इंडिया की, और फिर मेरी माँ तेरी माँ, भाई आप स्कूल गए भी हो कि एवें ही सब कुछ एवें ही माँ माँ माँ, व्हाट इज़ दिस भाई, बोलने का तो पहले तहजीब सीखो, वो ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पर बात करती औरत बहुत कुत्ती चीज़ है, ये चीज़ मैंने पहले बोला, ये वर्डिंग हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन ये बहुत ईजली बात कर लेते हैं, और ऐसे ही इनके वो जो खड़े किए हुए हैं कुछ लोग हैं वो भी ऐसे बोल लेते हैं, कितना गंदा गंदा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक खुद का ही भाई अपनी ही बहन को जब वो अपने हेयर कलर करा के आई, आप सब लोगों को याद होगा कि क्या बोला था उसने, कि उसने बोला मैं कैसी लग रही हूँ।
आगे से गुलाब सिंह का रिप्लाई आया कि तुम बुरी कुत्ती लग रही हो, क्योंकि ये पढ़ी लिखी फैमिली है, ठीक है, और पुत्तन जो है उसने एमए करी है इंग्लिश में, लेकिन वो एमए ही करी है, वो इन लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश बताना सिखाना पढ़ाना भूल गई, क्योंकि उसको खुद भी भूला हुआ है। बहुत प्यार से बात करती हैं, सबके सामने आती हैं, बैठती हैं, अपने बच्चे को लेके भी, मतलब, पर पुत्तन एक चीज़ है, जब तुम बात करती हो, तुम जो ये वुमेन कार्ड खेला जा रहा है इस टाइम पर, लेकिन तुम उस चीज़ में ये भूल जाती हो कि तुम अभी जो बोल रही हो ये सारा कुछ पहले हो चुका है, ठीक है, वो पुरानी बातें फिर से ला के यहाँ तुम एक बार फिर से उन सब लोगों को क्या दिखाना चाहते हो, प्रवोक कहती हैं करते हैं, लेकिन अब तुम प्रवोक कर रहे हो। और भी बहुत सारी बातें हैं ऐसे ही डे बाय डे सबके सामने आती रहेंगी, और बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पोस्ट पर शेयर किए हैं वो कल मॉर्निंग वाली वीडियो में लेके आऊँगी मैं। आज का वीडियो मेरा यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।